श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम सभी पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी जरूर सुनते होंगे और उन्हीं के कारण आज लोगों में महादेव के प्रति इतनी आस्था जागी है। कुबेरेश्वर धाम, जिसका नाम लोग नहीं जानते थे, वह आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुका है। पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथा के दौरान बहुत सारे पत्र भी पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वह ऐसा क्यों करते हैं? शिव पुराण के बीच में पत्र पढ़ने का क्या कारण है, आइए जानते हैं। पंडित जी शिव पुराण में बताए गए उपायों को लोगों तक पहुंचाते हैं। वह आज से नहीं बल्कि कई सालों से शिव पुराण की कथा करते आए हैं। उन उपायों से जो पंडित जी द्वारा बताए जाते हैं, उनसे लोगों को फल की प्राप्ति होती है। जो लोग जिन्होंने अभी अभी शिव पुराण सुनना प्रारंभ की है और जिनके मन में शिव पुराण और प्रदीप जी मिश्रा के लिए नकारात्मक भावनाएँ हैं, इन्हीं नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने तथा अधिक से अधिक लोगों के मन में शिव की आस्था जगाने के लिए गुरुदेव शिव पुराण के दौरान सबके सामने पत्र पढ़ते हैं, ताकि लोगों को महादेव की भक्ति का फल दिख सके। कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा मेरा महादेव, जो पलट कर मारेगा जिंदगी भर रोएगा। पंडित जी को हजारों पत्र रोजाना प्राप्त होते हैं, जिसमें से वह कुछ ही पत्र कथा के दौरान पढ़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या आ रही है तो वे समस्या भी दूर हो जाती है। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण सुनने से पहले बरते यह कुछ सावधानियां। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पूर्व तन और मन को शुद्ध करें, नए अथवा साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखें, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें, किसी की निंदा चुगली न करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के आगे भी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।